रिया मित्तल जी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको मैंने बहुत जल्दी बुलाया क्योंकि धर्मेंद्र जी से बार बार कह रहे थे कि मुझे जयपुर जाना है, पर एक बार कन्हैया जी का एक भजन सुनवा दो। मैंने आपके निवेदन पे, आपके आग्रह पे मैंने कन्हैया जी से रिक्वेस्ट की कि साहब आप पधारो हमारे मुख्य अतिथि। बस मैं चलता रहता हूं, जब तक आप आनंद से सुनते रहेंगे मैं सुनाता
गुजार होगा साहब, क्योंकि मैं नहीं गाता, कोई और ही गाता है, वो मुझे भी नहीं पता कौन है। भैया ये जो ऑरेंज, आप भी थोड़ी सी पोजीशन बदलिए, आपके पीछे पूरी रो रुक गई, पूरी रुक, इस कैमरे को हटा लीजिए यहाँ से, इसको हटा के उधर लगा लो। देखो किसी को भी अगर नजर ना आए तो आनंद नहीं आता, इतनी दूर से चल के आया है कोई, मोटरसाइकिल पे तीन तीन बैठकर आ गया आज तो क्योंकि आज का ये कीर्तन 38वां उत्सव है अंबे माता मंदिर का, और नवरात्रों की अष्टमी का दिन है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि साल में हिंदुस्तान में जितने त्योहार सनातनी बनाते हैं, इतने त्योहार कोई नहीं बनाता साहब, कोई नहीं बनाता। एक बात बता दूं, क्रिश्चियन धर्म में 25 दिसंबर आता है और एक दिन जाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉर गिव मी, बाय बाय, और दिन नहीं मिलते उनको। लेकिन हम खुशकिस्मत हैं, सोमवार को भोलेनाथ को मना लेते हैं, मंगल को बजरंगी मना लेते हैं, जब दिल करता है टीका लगा के हाथ में बोली बता के अपने सनातन को मना लेते हैं, जब दिल करता है। गाँव में ही मात बैठी है, इसे एक दिशा में देखने की जरूरत नहीं, सारे दिशाओं में हमने मैया बैठी है, और मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा सुरक्षित इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि हमारी चारों दिशाओं में मैया नदी बैठी है। Vamos
अजमेर वाली माता